सो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा देख सकते हैं, रेडमी नोट 8 प्रो है और ये फ़ोन जो है प्रॉपर ऑन नहीं हो पा रहा है, रीबूट हो रहा है, यानी EMI लोगों पे बार बार ये रीस्टार्ट हो जा रहा है और प्रॉपर तरीके से ऑन नहीं हो पा रहा है। तो आज की इस वीडियो कंप्लीट एंड तक देखिएगा, मैं आपको इस वीडियो में इसका प्रॉपर सोल्यूशन भी करके दिखाऊंगा और इस फ़ोन को ऑन भी करके दिखाऊंगा और किन कारणों की वजह से ये फ़ोन में जो रीबूट का प्रॉब्लम होता है। बहुत सारे फ़ोन में EMI, ओप्पो, वीवो फ़ोन में आप लोग को ये फ़ोन जो है ये प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगा। तो ये क्यों होता है, तो आज की इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखते रहिए। मैंने इस पर कई सारी वीडियो और भी लाई हैं और मैंने बताया भी कि किन कारणों से होता है। तो चलिए पहले हम एक बार इसे हार्ड रीसेट करके ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे हम हार्ड रीसेट कर रहे हैं वॉल्यूम अप और पावर की को एक ट्राई करते हैं। फास्ट बूट में यदि उसके बाद ऑन हो जाता है तो ठीक है, लेकिन नहीं हो रहा है फोन ऑन। और हम इसे जो है अब इसका जो है मदरबोर्ड ओपन करके उसमें कुछ हीट देंगे और हीट देने के बाद ये ऑन हो जाएगा, मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि मैंने इस तरह से बहुत सारे फ़ोन को ठीक किया है और बहुत सारे फ़ोन ठीक भी हो गए। तो हम इसके बैक पैनल को हीट मार के जो है खोल रहे हैं, क्योंकि इसके बैक पैनल में गम लगी रहती है और इसका जो है और इसका बैक पैनल जो है ग्लास का रहता है। आप लोग ध्यान से खोलिए क्योंकि टूट सकता है और इस वीडियो में मुझसे टूट गया है, मैं आपको दिखाऊंगा लास्ट में। खोलते समय नहीं टूटा है, लास्ट में टूट गया है क्योंकि मैंने उसको ज़्यादा प्रेस कर दिया था, दबा दिया था, इस वजह से टूट गया था। कभी कभी हो जाता है, कस्टमर ने जो ज़्यादा पैसे नहीं दिए, 400-500 रुपये में उनको मैं ये फ़ोन ठीक करके दे दिया क्योंकि मुझे भी वीडियो बनाना था। और इसको आप लोग निकोले जो है ग्लास जो आता है 11D वाला, उसके प्लेट से इससे खोलिएगा, खुल जाएगा काफ़ी आराम से। मैंने हिट मार के देखिए, यहाँ पे काफ़ी देर से इसे खोल रहा हूँ और वीडियो भी अच्छे से नहीं बना पा रहा हूँ, लेकिन अकेले हूँ और सारा चीज़ करना पड़ रहा है, वीडियो भी शूट करना पड़ रहा है, फ़ोन को भी ठीक करना पड़ रहा है, तो अकेले ही सारा काम कर रहा हूँ। और ये वीडियो भी एडिट अभी देखिए, एक कई दिन पहले बना लिया था लेकिन अभी एडिट करके दे रहा हूँ, क्योंकि एक जो है अभी 4-5 दिन पहले ही मैंने ये फ़ोन खोला था, यानी कि 31 तारीख को ही खोला था, 31 जुलाई। तो यहाँ पे हमने इसे हिट मार के और बढ़िया से खोलिएगा, क्योंकि यहाँ पे फिंगरप्रिंट भी पता हो सकता है, लेकिन नहीं, फिंगरप्रिंट नीचे की तरफ है, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से इधर से उधर घुमा के खोल दीजिए और आपको पूरा बारीकी से ध्यान से खोलना है। इसका बैक पैनल ओपन हो जाएगा और मैंने इसे ध्यान से खोला और इसके बाद फिंगरप्रिंट निकालने में मुझे काफ़ी दिक्कत आ रहा था और फिंगरप्रिंट निकल भी गया है, कोई दिक्कत नहीं हुआ। और उसके बाद मैं इसके जो है मदरबोर्ड को निकालूंगा। मैंने इसे काफ़ी अच्छे से बैक पैनल को खोल लिया हूँ और इसके बाद अब इसे हम करके दिखाते हैं। तो आप लोग बहुत लोग तो मेरे चैनल पे आके देखते हैं वीडियो, फ़ोन ठीक कर लेते हैं मुझे पता है, और लेकिन उसके बाद चैनल सब्सक्राइब भी बहुत लोग करते होंगे, नहीं भी करते होंगे, और लेकिन प्लीज़ कर लिया करिए। और मैं आप लोग को यूट्यूब टिप्स रिलेटेड भी वीडियो ला के देता रहता हूँ, कि उसे भी देखा करिए। और मुझे पता है कि आप लोग मेरा इमेज बना लिए मोबाइल अनलॉकिंग मोबाइल सॉफ्टवेयर वाला, लेकिन नहीं, मैं आपको यूट्यूब टिप्स से रिलेटेड वीडियो, मेरा और चैनल है सेकंड लग, वहाँ पर मैं बहुत सारी नए यूट्यूबर को हेल्प कर रहा हूँ, उनके चैनल मोनिटाइज करने तक का भी हेल्प कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरा एक और चैनल है सेकेंड लग, इसे भी जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हम इसके बैटरी कनेक्टर को खोल रहे हैं और इसके पत्ते खोल रहे हैं और इसे बढ़िया से एक बार हिट निकाल के मारेंगे। अभी तो मैं ऊपर से ही मार के डिब्बा ट्राई कर रहा हूँ, यदि हो जाए तो ठीक है, लेकिन नहीं होगा जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि ये अच्छे से होने वाला नहीं है। तो एक बार मैं ट्राई कर ले रहा हूँ ऊपर से हिट मार के। यदि आप लोग को ज़्यादा हिट मारना है तो कैमरा निकाल के मारिएगा, नहीं तो आपका कैमरा जो है डैमेज हो सकते हैं। तो बाद में मैं कैमरा निकाल लूँगा, अभी जो है एक बार ट्राई कर ले रहा हूँ। तो अभी मैं ज़्यादा हिट नहीं मार रहा हूँ, तब पर भी थोड़ा बहुत हिट दे रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं ब्लोअर के हेल्प से दे रहा हूँ, ये बाल ड्राई करने वाला ही ब्लोअर है, देख सकते हैं। तो आप लोग, मैं वीडियो में जो इस तरह से बता रहा हूँ, आप लोग को अच्छा लगता है कि खाली म्यूजिक चलता रहे वो वाला अच्छा लगता है। और इसका सिम ट्रे को मैंने निकाल दे रहा हूँ, अभी भूल गया था निकालना, और बैक पैनल तो ओपन कर लिया था, अभी मैं इसके सिम ट्रे को निकालता हूँ। काफ़ी जो है बारीकियों से मैं काम नहीं करता, हड़बड़ी में बहुत रहता हूँ, सावधानियाँ ध्यान नहीं देता, लेकिन लास्ट में मुझसे इसका बैक पैनल कस्टमर का टूट जाता है। कस्टमर को जो है मैंने समझा दिया था कि आपको बैक पैनल निकालते समय टूट जाएगा, उन्होंने बोला ठीक है मेरा फ़ोन तो कम से कम ऑन कर दीजिएगा, वो मैंने बोला ठीक है मैं ऑन कर दूंगा। यहाँ पे देखिए हमारा फ़ोन हीट मारने के बाद ऑन हो गया। मैंने उसके मदरबोर्ड को बाहर निकाल लिया था, वीडियो में मैं नहीं दिखा पाया, प्रॉपर उसके अच्छे से हीट दिया और उसके बाद इनका फ़ोन ऑन हो चुका है और कोई सॉफ्टवेयर ऑप्टेयर मारना नहीं पड़ा। तो आप लोग प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड, और आपके लिए मैं बहुत सारे वीडियो ला के देता रहता हूँ। मैंने बताया 3 कारणों की वजह से होता है, आपके फ़ोन की बैटरी की कनेक्टर में जो पावर IC लग रही थी उसके वजह से आपका फ़ोन स्टार्ट नहीं हो पाता, और आपके फ़ोन का जो है सॉफ्टवेयर भी ख़राब हो सकता है, और आपके फ़ोन में जो मदरबोर्ड में एक बार हीट मारना चाहिए, जो ICs हैं वहाँ पे हीट मारना चाहिए, पावर IC पे भी हीट मारना चाहिए, फिर उसके बाद आपका फ़ोन जो है प्रॉपर तरीके से बूट हो जाएगा। तो ये 3-4 कारणों की वजह से ये प्रॉब्लम आता है फ्रेंड, तो ये सब जान लीजिए। और मैंने इस पर बहुत सारी वीडियो भी बनाई हैं,
और आप लोग देख लीजिएगा, और आप लोग के फ़ोन में भी इस तरह का हो रहा है प्रॉपर, आप लोग का फ़ोन ऑन नहीं हो पा रहा है, तो इस तरह से आप लोग ठीक कर सकते हैं। और बहुत लोग सॉफ्टवेयर का टूल का लिंक मांगते हैं, तो बहुत सारा कमेंट आता रहता है मेरे पास। देखिए यहाँ पे बैक पैनल टूट गया मेरे गलती की वजह से, क्योंकि मैंने उसे दबाते समय, प्रेस करते समय, बंद करते समय काफ़ी ज़्यादा प्रेस कर दिया था, इस वजह से वो टूट गया। तो देख सकते हैं हम इसके सेटिंग में चल के आपको दिखा देते हैं, फ़ोन वही है फ्रेंड्स, कोई जो है चेंज मैंने नहीं किया, क्योंकि वीडियो कट और एडिट करने में बहुत दिक्कत हो रहा था। तो यहाँ पर देख सकते हैं नोट 8 प्रो है, और फ़ोन ऑन हो भी हो चुका है, लॉक भी खुल चुका है। तो आप लोग को वीडियो देख के ही समझ में आ जाएगा फ़ोन वही है और कोई भी दिक्कत नहीं हुआ, हमारा फ़ोन अनलॉक हो चुका है और इसका जो रिबूट का प्रॉब्लम था वो भी सॉल्व हो गया, तो कोई सॉफ्टवेयर ऑप्टेन मानना नहीं पड़ा। और देख सकते वही फ़ोन है, इसका बैक पैनल टूट चुका है। तो यहाँ पे आप लोग को मैं वेरीफाई करा दिया। और चलिए फ्रेंड, तब तक के लिए नेक्स्ट किसी और वीडियो मिलता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय फ्रेंड्स।